हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉगर में। तो सुबह के 5:30 हो चुके हैं, मैं अभी सो के उठा हूँ। सुबह सुबह मुझे ताया जी का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि खेतों में जो जानवर पशु हैं वो फसल को उजाड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पर मक्का बीजा गया है, तो उनको रोकने के लिए वहाँ पर बाड़ इत्यादि का मतलब बनानी पड़ेगी, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे। उससे पहले आप देख सकते हैं सुबह सुबह का यहाँ पर माहौल कैसा है, बिल्कुल शांत माहौल है, कैसा व्यू है देख सकते हैं पीछे मेरे। तो वहाँ पर जाने से पहले मैं ब्रश करूँगा, चाय वाय पीऊँगा, उसके बाद वहाँ पर निकलने वाला हूँ, तो मिलते हैं सीधा खेतों में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह ताया जी का फ़ोन आया था कि जो जानवर है वो खेतों को मतलब उजाड़ रहे हैं, वो मतलब मक्का बीजा हुआ था उनको ख़राब कर रहे थे, तो बाड़ इत्यादि बनाना था। तो मैं अपनी ड्राफ्ट और पानी की बोतल लेके जंगल में आ चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है, तो आपको दिखाता रहूँगा मैं, वीडियो के साथ बने रहें। थोड़ा बहुत मैंने बाड़ को बना लिया है, ये लकड़ी के पिलर हैं जो इनको हम तो अपनी भाषा में वैसे तो मैले कहते हैं। थोड़ा बहुत काम कर लिया, वो मेरे ताया जी लगे हुए सामने देख सकते हैं, अब इनके साथ मुझे भी लगना पड़ेगा। जो पशु पक्षी हैं वो खेतों को उजाड़ रहे थे, तो इनको रोकने के लिए हमने इसका मतलब कि काम कर रहे हैं इसका। गांव के लोगों को इन सभी चीज़ों का काम करना पड़ता है, क्या करें भाई, जिम्मेदार बंदे हैं, करना तो पड़ेगा। जो जो ड्राट है जो काफ़ी तेज है, इसका मतलब कि ठीक ढंग से इस्तेमाल करना पड़ता है, कटने का भी डर रहता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो जंगल का नज़ारा वो काफ़ी बढ़िया है, व्यू काफ़ी बढ़िया है, यहाँ का पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनो, दिल को बहुत सुकून मिलता है यार, क्या बोले। आप देश के कहीं भी कोने में चले जाओ, लेकिन जो सुकून आपको हिमाचल की आबादियों में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ये मैं आपको एक बात बता दूँ। जैसे शहरों में मतलब कि कांटे की तार लगाई जाती है, तो हमारे गांव में कांटे की मतलब कि वृक्ष होती है, इसको काट कर लगाया जाता है। आपको मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं सामने छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं, तो इससे जो जानवर है वो मतलब कि मतलब खेतों में नहीं जाएंगे बाड़ों को पार कर। अपना काम मैंने थोड़ा ख़त्म कर लिया है, तो आपको पीने से मेरी बनाना जो पूरी रखबत हो चुकी है, तो पानी पीने का तो मन करेगा ही। तो आप देख सकते हैं जो पहाड़ी लोग हैं वो कभी फ्री नहीं बैठते, ठीक है, तो आप इसको घर ले जाएंगे काट कूट के। तो ये लकड़ है वो काफ़ी भारी है, पसीना तो पानी की तरह बह रहा है, सांस फूल चुकी है मेरी, चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार, धूप भी काफ़ी चढ़ चुकी है, तो मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, क्या करें। तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठे हैं, वो रहा मेरा दोस्त, वो भी मेरे साथ आया हुआ है। तो आपको मैं दिखाता हूँ जामुन, ये रहा जामुन का पेड़ देख सकते हैं, इस पर जामुन काफ़ी लगे हुए हैं, नीचे भी देख सकते हैं बारिश हुई है कल रात की, तो नीचे कितने गिरे हुए हैं। आपने अपनी जिंदगी में कभी तो खाए होंगे।
जामुन पक चुके हैं, ये देखें इनका स्वाद काफ़ी बढ़िया है। रस से पूरे भरे हुए हैं ये। नहीं, मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूं, तो मैंने पानी पूनी पी लिया है। आप पंखे की हवा लेंगे और पसीने को सुखाएंगे, तो उसके बाद नहाना है। तो रोज़ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो गाइस, नहा के अभी मैं रेडी हो चुका हूं, तो अभी काफ़ी सुकून मिल रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं बैठा हूँ आराम से, पंखे की हवा ले रहे हैं। तो खाने की प्लेट भी लग चुकी है, आपको दिखा देता हूँ। और साथ में टीवी का भी नज़र ले रहे हैं, वो सामने टीवी लगा हुआ है, टीवी भी देखेंगे साथ में। ये रही खाने की प्लेट। तो आज मैं खाने वाला हूँ कढ़ी, जो कि आम से बनाई हुई है, क्योंकि आजकल आम का सीज़न लगा हुआ है। तो ये बनाई हुई है आज हमने कढ़ी, और साथ में चपाती के साथ खाने वाला हूँ इसको। तो मिलते हैं खाने के बाद। अब खाना खुना खा लिया है, तो अब मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। काम करने के कारण थकावट सी महसूस हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म है। तो अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अपने गांव के, मतलब कि मेन अड्डे पे, सेंटर प्लेस, ठीक है। हमारे गांव का वो सेंटर में स्थित है, वो मतलब 3-4 मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब कभी भी हमारे गाँव में बिजली चली जाती है, जब लोग घरों में अब मतलब बोरिंग महसूस करते हैं, तो वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। वहाँ पर कम से कम 2-3 लोग आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आज भी, मतलब अभी भी वहाँ पर 6-7 बंदे बैठे ही होंगे। तो वहाँ पर चलने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए। तो ये रहा वो सामने हमारे गाँव का, मतलब बहुत पुरानी मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर हर साल मतलब 2-3 वो लंगर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 7 लोग बैठे ही होंगे। तो आपको दिखाने वाला हूँ, ये रहा, देख सकते हैं पंखे लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं लोग कैसे आराम महसूस कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। तो आज हमने फिर नहाने का प्लान बनाया है, तो हम अपने फार्म पर आ चुके हैं। थोड़ी देर में नहाने वाले हैं मोटर पर, उसका व्लॉग मैंने डाला हुआ है, तो आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर जरूर देख लें। पहली बार आए तो खेत सभी खाली थे, ठीक है। खेतों में कुछ नहीं बीजा गया था, लेकिन आप देख सकते हैं हरे भरे हो चुके हैं खेत, जहाँ पर धान उग चुकी है, काफ़ी हरियाली है, देख सकते हैं। हम वहाँ पर जाने वाले हैं, वो रहा फार्म। एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ चारों तरफ का, क्या ही व्यू है, देख सकते हैं, वाह। तो हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी में जा रहे हैं।
तो घर जाके सोने वाले हैं, फिर उसके बाद शाम को मिलेंगे। गाइस नहाने के बाद मैं घर पे आके सो गया था, दो तीन घंटे सोने के बाद जस्ट अभी उठाई हूँ। तो टाइम हो रहा है 7:45 के करीब, तो 7:15 बजे मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट के लिए। तो खाना खुना पैक कर लिया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।